आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बच्चेदानी का बाहर आना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, इतना भी कॉमन नहीं, मतलब ये सोचिए आप 15 से 20 हज़ार फीमेल्स को होता ही है प्रेगनेंसी के दौरान। तो आज हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, आप लोग अवेयर रहिए रिगार्डिंग बच्चेदानी का बाहर आना यूट्रस प्रोलैप्स, बिकॉज ये एक वेरी कॉमन प्रॉब्लम है और होती नहीं है बट होती है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम कॉज कर सकती है आपको और आपके बच्चों को। ठीक है, तो वेलकम है आप सभी का अपने ओनिटिव चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्थ। मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चेदानी का बाहर आना यूट्रस प्रोलैप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना इफेक्ट करेगा आपको और आपके बच्चे को। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि बच्चेदानी बाहर क्यों होती है, क्या कारण होते हैं, कॉमन कॉजेस, कॉमन सिम्टम्स, कॉमन ट्रीटमेंट। बट आज प्रेगनेंसी, स्पेशली प्रेगनेंसी को कंसिडर करके हम चलेंगे कि अगर प्रेगनेंसी में आपकी बच्चेदानी बाहर आ जाए तो किस तरीके के सिम्टम्स आएंगे, क्या कारण होते हैं और क्या इसका इलाज होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप सभी को पता है बच्चेदानी बाहर क्यों आती है, मेन इसका यही कारण होती है कि आपके जो पेल्विक मसल्स हैं, जो लिगामेंट हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपके पेल्विक मसल्स में जो होते हैं वो आपकी बच्चेदानी को होल्ड करके रखते हैं, रोक के रखते हैं। जब कभी किसी भी कारणवश, कारण तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट किसी भी कारणवश अगर वो लिगामेंट्स और मसल्स वीक हो जाती हैं तो बच्चेदानी को ड्रॉप कर देती हैं वेजाइना से वेजाइनल प्रोलैप्स भी साथ में हो जाता है। तो बेसिकली यही कारण होता है मेन कि आपकी पेल्विक मसल्स की वीक हो गई है। तो पेल्विक मसल्स वीक हो गई है उसके लिए कौन से कारण होते हैं और पेल्विक मसल को स्ट्रेंथन करें उस पर डिटेल में इफ़ यू वांट के मैं वीडियो बनाऊं तो जस्ट लेट मी नो। ठीक है, बट अभी हम हाल फिलहाल यही डिस्कशन कर लेते हैं कि मेन कारण जो होता है बच्चेदानी बाहर आने का, इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपकी पेल्विक मसल्स वीक हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे अगर आपका यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, और वैसे बच्चेदानी बाहर आ गई है, आप प्रेग्नेंट हैं तो सोचिए आप क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। सबसे पहला जो फॉरमोस्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको डिफ़िकल्टी होगी लेबर में, मतलब आप जब आपका लेबर के लिए जब जाएंगे, जब बच्चे का जन्म होने वाला होगा तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज ऑब्वियसली आप प्रेशर लगाएंगे तो बच्चेदानी पे भी इम्पैक्ट डालेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो आपको डिफ़िकल्टी होगी लेबर प्रोसेस में। उसके साथ साथ आप अपना यूरिन होल्ड नहीं कर पाएंगे, ड्रिबलिंग होगा यूरिन में, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। आपको बच्चेदानी फटने की बहुत ज़्यादा आशंका रहती है, बिकॉज आप प्रेशर लगा रहे हैं और बच्चेदानी का साइज भी बढ़ा हुआ है और प्रेशर तो उतना ही आ रहा है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो बच्चेदानी फटने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है, जिसके कारण आपको और आपके बच्चे की भी डेथ हो सकती है। उसके साथ साथ बच्चे की डेथ होने के साथ साथ आपका जो है, आपको भी मोर्टैलिटी रेट आपका बढ़ सकता है, आपको भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी में आपको जो सिम्टम्स अभी हम डिस्कस करेंगे वो इस तरीके दिखते हैं तो तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वैसे तो आप टाइम टू टाइम ही डॉक्टर के पास गायनेकोलॉजिस्ट विजिट करती रहती हैं, बट इस टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कुछ ऐसा जिससे आपको पता चलता है कि आपका जो है बच्चेदानी बाहर आ रही है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके डिलीवरी के दौरान किस तरह के सिम्टम्स आएंगे। उसके साथ साथ आपका एबॉर्शन भी हो सकता है। एबॉर्शन होने के साथ साथ मिसकैरेज तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉमन होता है अगर आपकी बच्चेदानी बाहर आ गई होती है। आपको पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, आपका डिलीवरी होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, ब्लीडिंग होने के कारण ऑब्वियसली आप एनीमिक हो सकते हैं, सेप्टिक शॉक लग सकता है आपको, सेप्टिक शॉक में आप जा सकते हैं, तो ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम है। सेप्टिसीमिया, इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं आपको अगर आपकी बच्चेदानी बाहर आ रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं अगर आपको प्रेगनेंसी में आपकी बच्चेदानी बाहर आती है तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिम्टम्स का कि हमको पता कैसे लगेगा कि हमारी बच्चेदानी बाहर आ रही है। ऑब्वियसली आप, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है, आपको लगेगा वेजाइना से कुछ बाहर आ रहा है, कुछ बॉल टाइप सा पॉपिंग आउट हो रहा है, दैट मींस कि आपके जो बच्चेदानी है वो बाहर आ गई। आप चलेंगे तो रब होगा दोनों लेग्स के बीच में, साथ ही आप जब पॉट करने बैठेंगे तो आपको ऐसा फील होगा समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द वेजाइना, तो वो आपको लगेगा। आप जब बैठेंगे सीट पे तो आपको लगेगा जैसे बॉल टाइप कुछ कंप्रेस हो रहा है, तो दैट मींस कि आपकी बच्चेदानी जो है वो बाहर आ रही है। आप सू करने जाएंगे तो आपको रुक रुक के सू आएगा, एकदम से सू नहीं आएगा, एकदम फुल प्रेशर से जैसे नॉर्मली आता है एकदम रुक रुक के सू आएगा। उसके साथ ही साथ आपको फ्रेश होने में भी दिक्कत होगी, ज़्यादा डिस्चार्ज होगा वेजाइना से,
एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज लाइक वाइट डिस्चार्ज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है अगर आपकी बच्चेदानी बाहर आ रही है तो. आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा, ऑब्वियसली यूट्रस इज कमिंग आउट ऑफ द वजाइना एंड इफ यू आर डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और गेटिंग इंटीमेट विथ योर पार्टनर तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपको पेल्विक पेन रहेगा, कुछ ऐसे लगेगा कुछ लटक रहा है उस तरीके से आपको फील होगा. तो इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है. पेल्विक पेन के साथ साथ आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको जलन हो सकती है वजाइना में, बर्निंग हो सकती है सेंसेशन, तो आपको इस तरीके के सिम्टम्स भी आ सकते हैं. उसके साथ साथ आप पी करने जाएंगे तो आपको सूप पूरी तरीके से नहीं आएगा, फ्रेश होने जाएंगे तो फ्रेश नहीं अच्छे से हो पाएंगे, ऐसे लगेगा पेट अभी भी भरा हुआ है, फ्रेश नहीं हो पाएंगे, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी साथ में रहता है. तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको बताएंगे कि आपको जो है बच्चेदानी आपकी बाहर आ रही है. इसमें कुछ बेसिकली जो यही सिम्टम्स होते हैं आपको खुद से ही ऑब्जर्व करना है दैट समथिंग इज़ कमिंग आउट ऑफ द वजाइना. अगर आप छू के देखते हैं, आप फील करते हैं तो आपको लगेगा दैट कुछ बल्जिंग टाइप, प्रोट्रूजन टाइप, कुछ सेगिंग टाइप आपके वजाइना से बाहर आ रहा है. तो इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना. जब आप खांसेंगे तो आपका यूरिन बाहर आएगा, जब आप छींकेंगे तो आपका यूरिन बाहर आ सकता है. तो ये जो कुछ सिम्टम्स होते हैं इसको हम कभी कभार इग्नोर कर देते हैं, बट आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है और ट्रीटमेंट तो अभी हम डिस्कस करेंगे ही. ठीक है, तो ये बात हो गई कि सिम्टम्स किस तरीके के आएंगे. ऑब्वियसली जो सिम्टम्स होते हैं ये जो यूट्रस प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स है, या आपके डिलीवरी से पहले, प्रेगनेंसी से पहले नहीं होता है, ये कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान ही आपका इंक्रीज होता है. तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इस तरीके सिम्टम्स दिखेंगे तो आपको तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना है. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि कौन से कारण होते हैं जिसके कारण जो है बच्चेदानी बाहर आने की संभावना रहती है. कारण में सबसे पहला जो अभी हमने डिस्कस करा, पेल्विक मसल्स वीकनेस. अब पेल्विक मसल्स वीकनेस कैसे होती है, आपका बार बार एबॉर्शन होता है तो आपकी पेल्विक मसल्स वीक रहती हैं. तो जैसे आपका बार बार एबॉर्शन हो रहा है दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो आप आइदर मेडिसिन खा रहे हैं या आप टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा रहे हैं, टर्मिनेशन करा रहे हैं तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, तब भी आपके बच्चेदानी बाहर आने की संभावना रहती है. बार बार एबॉर्शन करना और बार बार पिल्स खा के आप सोचते हैं तो आपको ऑब्वियसली इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है. आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो रही हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज दैट मीन्स आपके बार बार आप बेबी डिलीवरी हो रहे हैं. ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू, अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हैं और नहीं भी करते हैं तो अगर आपके बहुत ज़्यादा आपकी डिलीवरीज हो रखी हैं तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके जो है बच्चेदानी बाहर आने की संभावना है. उसके साथ साथ आप एक बहुत शॉर्ट टर्म इंटरवल में अगर आप बेबी डिलीवर करते हैं तो भी आपकी बच्चेदानी, देखो बच्चेदानी को आइदर सीजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी टेक्स अराउंड 2 years, 1.5 to 2 years टू गेट अपने शेप में आने के लिए. ठीक है, तो अगर उससे पहले आप कंसीव कर लेते हैं तो ऑब्वियसली बहुत शॉर्ट टर्म इंटरवल में अगर आप कंसीव करते हैं तो बच्चेदानी को होल्ड करने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना, उतनी ताकत तो होनी चाहिए कि बेबी को होल्ड कर सके. बिकॉज हर एक इंडिविजुअल, हर एक महिला का शरीर अलग अलग होता है. किसी में स्ट्रेंथनिंग मसल्स बहुत अच्छे से होती हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स, मतलब आपकी जो पेल्विक मसल्स होती हैं जो होल्ड करके रखती हैं बच्चेदानी को. किसी किसी में ज़्यादा ताकत होती है, किसी किसी में कम ताकत होती है. तो डिपेंड करता है हर महिला पे, बट ऑल एग्रीगेट देखा जाए तो 1.5 से 2 साल का गैप एटलीस्ट आपको रखना चाहिए इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट कंसीव. और तो बिकॉज अगर फ्रिक्वेंटली अगर आप कंसीव करते हैं और आपकी डिलीवरी होती है, बच्चेदानी का साइज भी बढ़ता है, उसको भी तो हील होने के लिए टाइम चाहिए ना, आइदर इन वेजाइनल बर्थ और सिजेरियन बर्थ, तो उसको भी हील होने के लिए टाइम चाहिए. तो उसको हील करने के लिए हमको उसको टाइम देना जरूरी है ताकि वो अच्छे तरीके से बेबी को कैरी करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके, उसके बाद आप ट्राई करें. ठीक है, बिकॉज रिकरेंट ऑफ जल्दी जल्दी कंसीव करने से यही होता है कि आदर आपकी बच्चेदानी फट सकती है या तो आपकी बच्चेदानी बाहर आ सकती है. ये एक मेन कॉम्प्लिकेशन होता है अगर आप जल्दी जल्दी कंसीव करते हैं तो. ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अगर आपकी कोई पेल्विक सर्जरी हो रही है. पेल्विक सर्जरी मींस किसी भी तरीके का कोई आपका सर्जरी हुआ है पेल्विक एरिया में तो भी आपकी बच्चेदानी बाहर आने की संभावना बहुत रहती है. अगर आपका रिकरेंट आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का ध्यान रखना है अपने वेजाइनल एरिया का. और कौन से कारण होते हैं, या आपको कभी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है और आप अच्छी तरीके से फ्रेश नहीं हो पाते हैं तो भी एक मेन कारण है. तो आपको अगर बार बार गैस हो रहा है, गैसी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं तो अपनी डाइट से बिल्कुल से गैसी प्रोडक्ट्स हटाइए ताकि आपकी बच्चेदानी बाहर आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाए. अगर आपको बहुत टाइम से खांसी है, बहुत पुरानी खांसी है और आप खांसते जा रहे हैं तो आपने देखा होगा अगर आप खांसते हैं आपको सू आ जाती है तो इसको भी आपको कंट्रोल करना है. अगर आपकी पुरानी खांसी है तो इसको भी आप कंट्रोल करिए. अगर आपको छींक आती है और आपके
छींकने से ही आपकी यूरिन बाहर आ जाती है, तो भी आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ एन इंडिकेशन दैट आपकी बच्चेदानी इज पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो वीक हो रही है, तो आपको इसको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कौन कौन से कारण होते हैं अगर आपकी बच्चेदानी बाहर आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट कैसे करना है। देखो ट्रीटमेंट बेसिकली देखा जाए तो हम लोग को सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान देखना है, जो अपन खाएंगे वो हमारे शरीर पे दिखेगा। तो खाने के लिए सबसे पहले आपको हेल्दी फूड्स लेना है, हेल्दी फूड्स में फाइबर इन्वॉल्व करिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो फाइबर इन्वॉल्व करिए अपनी डाइट में, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन्वॉल्व करिए, दैट विल डिक्रीज योर कॉन्स्टिपेशन। लिक्विड डाइट लीजिए रादर देन आप हैवी डाइट ले रहे हैं, मैदा वगैरह को बिल्कुल नो करिए, बिकॉज मैदा मैदे को काटता है, मैदा मीन्स पेट, ठीक है, मैदा मैदे को काटता है, कॉन्स्टिपेशन आपका बढ़ सकता है और आपको और प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ साथ आपको बाहर की चीज़ों को नो करिए, सोडा वोडा को बिल्कुल नो करिए और गैसी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल नो करिए, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, आपके बच्चेदानी पे प्रेशर डालेगा, देन बच्चेदानी ऑब्वियसली ट्राई टू कम आउट फ्रॉम योर वजाइना। तो ये एक मेन कारण है। उसके बाद बात करेंगे लिक्विड डाइट अपनी डाइट में शामिल करिए, ऐसी चीज़ खाइए जो जल्दी पच जाए, एकदम मैदा वगैरह को नो करिए, ठीक है। उसके बाद अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, जल्दी से जल्दी उठ के खाना है, ब्रेकफास्ट हैवी करना है, रादर आप उसको 12 बजे तक खींच के ले जाएं, ब्रेकफास्ट हैवी करिए, डिनर सॉरी लंच अच्छे से करिए, देन डिनर थोड़ा सा कम लीजिए, ठीक है। तो और वॉकिंग तो करनी है, एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी है ताकि आपका वजन मेंटेन रहे, बिकॉज हेल्दी वजन रहता है, ओबीस पेशेंट्स रहते हैं दैट आर मोर प्रोन टू गेट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो इसलिए वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वजन कम करिए, देन आपके बिकॉज मोस्ट फीमेल्स दोज हु आर ओबीस आर ट्राइंग टू गेट इफ दे आर ट्राइंग टू गेट प्रेगनेंट, तो उसमें इन तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए पहले अपना वजन कम करिए, देन आप ट्राई करिए, ठीक है। उसके बाद और कौन सी चीज़ें हैं, ऑलरेडी इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी पे तो हमने टिप्स डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आप वो देखिएगा, बट फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं बच्चेदानी निकलती है अगर प्रेगनेंसी में तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कीगल्स एक्सरसाइज बेसिकली वो एक्सरसाइज होती है प्रेगनेंसी में, कीगल एक्सरसाइज आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है, तो आपको कीगल एक्सरसाइज पे फोकस करना है, पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। अगर चाहते हैं ज़्यादा डिटेल में तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पेल्विक फ्लोर मसल्स को कैसे स्ट्रेंथन करा जाए। उसके बाद आपको जेनिटल वजाइनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है ताकि किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन भी आपकी इस तरीके की प्रॉब्लम कॉज करता है, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी वजाइनल हाइजीन का मेंटेन और ध्यान रखना है, उस पर वीडियो बनाया, जस्ट काइंडली चेक इट, ठीक है। और हम क्या बात करेंगे, वेजाइनल पेसिसरी आती है, वो भी आपकी जो बच्चेदानी है उसको अपनी प्लेस पे रखती है, तो उसको भी ऑब्वियसली अगर आपको होता है इस तरीके से तो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट भी होता है, वो भी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। और लास्ट एंड लास्ट अगर कोई चीज़ काम नहीं करिए देन आपको सेक्शन करवाना ही पड़ेगा, सिजेरियन डिलीवरी कराना पड़ेगा, देन आपकी बच्चेदानी पे भी इफेक्ट नहीं आएगा और नॉर्मली तरीके से आपका बेबी जो है डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट है बट हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है। हमारे हाथ में क्या है, हमको अपनी पेल्विक मसल्स को वीक नहीं करना है, तो वीक नहीं करना है उनको स्ट्रेंथन रखना है, तो इसमें स्ट्रेंथन के लिए हमको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए देन आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेंथन हो जाएंगी, देन इस तरीके के इश्यूज नहीं क्रिएट होंगे, बिकॉज अगर हो जाता है तो आपको खुद डिस्कम्फर्ट फील होगा और प्रेगनेंसी में तो स्पेशली, तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जो बताया है। और आप चाहते हैं कि कुछ और क्वेश्चन आपके मन में अराइज होता है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो यही था मच अबाउट प्रेगनेंसी में अगर बच्चेदानी बाहर आ जाए तो किस तरह के इश्यूज क्रिएट होते हैं। आराम से कंसीव कर सकते हैं बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, पेल्विक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करिए, कीगल्स एक्सरसाइजेस करिए, ये आपकी प्रॉब्लम को बहुत हद तक कम करेंगी, प्रॉब्लम को बचाएंगी, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो क्योर करिए, प्रिकॉशंस रखिए, तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। होप आप सभी को वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से लोगों से शेयर करें, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपका मोटिवेशन और मेरा मोटिवेशन, दोनों का मोटिवेशन और आपका सपोर्ट हमारे साथ बरकरार रहे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस इज डॉक्टर ज्योति।